नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस क्लास टेंथ सीबीएसई की इस वीडियो सीरीज़ में आपका हार्दिक अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी और हमने अब तक इसके दो बड़े पार्ट कवर कर लिए हैं कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को समझा। फिर हमने इम्पोर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसको भी पूरा अच्छे से पढ़ा और अच्छे से समझ लिया है कि टर्सरी सेक्टर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और भारत में टर्सरी सेक्टर की क्या संभावना है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, नरेगा के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होते हैं, देखिए इनके डिफरेंस को समझते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, द सेक्टर इज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। ऐसा सेक्टर जो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड हो उसे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोला जा सकता है। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होता है। द सेक्टर इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। उसी प्रकार द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स होती है रेगुलर होती है, यानी कि जैसे मुख्य रूप से जितने भी सरकारी कार्यालय होते हैं, जितने भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स होते हैं, वहाँ पर एक एज के बाद में रिटायरमेंट हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद में फिर नई लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट देना पड़ता है, तो इनके पास एक फिक्स रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होता है। वहीं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में देखा जाए तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में इररेगुलर या फिर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। अगला आता है फैक्ट्रीज एक्ट एंड मिनिमम वेजेस एक्ट आर फॉलोड। सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको काम के घंटे तय होंगे जो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर आते हैं। उसी के साथ साथ तनख्वाह भी तय होती है, किसी मतलब फर्स्ट ग्रेड को क्या मिलेगी, सेकेंड ग्रेड को क्या मिलेगी, थर्ड को क्या मिलेगी, फोर्थ को क्या मिलेगी, सबको अपने अपने ग्रेड पे के अकॉर्डिंग, अपने अपने पद के अनुसार तनख्वाहें, और उन तनख्वाहों में इनको अलाउंसेंस, इनको जो अन्य अन्य प्रकार के जो भत्ते दिए जाते हैं वो भी दिए जाते हैं। वहीं पर किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको इस प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं मिलेगी। फिर अगली बात आती है द एम्प्लॉयज गेट्स बेनिफिट्स लाइफ फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। सबसे बड़ी बात है बेनिफिट, बहुत से इनको बेनिफिट होता है जैसे वर्किंग आवर फिक्स होते हैं, भैया कि 6 से 7 घंटे ही काम करना है, ज़्यादा काम नहीं करना है। उसके अलावा पेड लीव्स, हाँ बहुत महत्वपूर्ण बात यह रहती है कि यहाँ पर पेड लीव्स यानी कि आप अपनी तनख्वाह प्राप्त करते हुए भी आपको छुट्टियों के अवसर यहाँ पर मिलते हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़, किसी प्रकार से कोई बीमार हो जाता है उसके अलावा कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाती है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है जॉब सिक्योरिटी जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होती है। तो इनके अंदर हम किनको लेंगे, इनके अंदर हम बैंक, स्कूल और हॉस्पिटल को शामिल कर सकते हैं। वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इस प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं होता है और यहाँ पर शामिल होंगे आपके शॉपकीपर्स, वेंडर्स एटसेट्रा। तो यहाँ पर बड़ा ही आसानी समझ में आ चुका होगा आपको। अब हम समझते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। अब देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक स्कूल जो है ना वो ऑर्गेनाइज्ड है, एक बैंक जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन वो बैंक पब्लिक और प्राइवेट दो अलग अलग सेक्टर में भी बंटी हुई है। यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर को भी आगे हम दो भागों में बांट सकते हैं, वो हो गया आपके पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। आइए समझते हैं सबसे पहले पब्लिक सेक्टर। इट इज़ कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल आप गवर्नमेंट स्कूल को एकदम दिमाग में लेकर चल सकते हो यहाँ पर कि भैया इसको पूरा मैनेज्ड और कंट्रोल जो है गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है, भाई प्राइवेट में ये इंडिविजुअल के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। द मेन एम ऑफ दिस सेक्टर इज अ पब्लिक वेलफेयर। किसी भी गवर्नमेंट संस्था, किसी मतलब सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सरकारी बैंक, इन सब का परम उद्देश्य जो होता है पब्लिक वेलफेयर होता है, जनता का कल्याण करना होता है। वहीं जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं इनका जो मेन एम है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना होता है। अगला और तीसरी बात यहाँ पर आती है कि दीज सेक्टर प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक एजुकेशन, हेल्थ, फूड एंड सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवे, BSNL एटसेट्रा। एंड दिस सेक्टर प्रोवाइड द कंज्यूमर गुड्स, है ना। देखो एक तरफ तो वो दे रहा है फैसिलिटी, वो दे रहा है सुविधा, पब्लिक सेक्टर दे रहा है सुविधा, और ये देते हैं आपके पब्लिक गुड्स, यानी लो कंज्यूमर को क्या चाहिए, कंज्यूमर को किस तरीके का गुड चाहिए। आप ये समझ सकते हो भाई राशन की दुकानों में भी आटा आता है और एक आपके आटा जो है प्राइवेट जो आपके अन्नपूर्णा और आदि जो बनाते हैं आटा, तो आटा आता है तो वो आटा एकदम पैकेजिंग करके बड़ा सा एकदम अच्छा टैगलाइन वैगलाइन लगा के अच्छे से पेश किया लोगों के सामने जाता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या फ़र्क है। इंडियन
इंडियन रेलवे, तो इसका एग्जांपल होगा, इसका एग्जांपल होगा रिलायंस, इसको आदि। तो आपको समझ में आया होगा। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 8562815057 पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, देखते रहिए, सीखते रहिए।